कैसे हैं आप सब यार? आज हम टाटा सफारी को रोड पे भगा के देखेंगे, दौड़ा के देखेंगे। इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस शेयर करूंगी मैं आपके साथ। मैंने आपको इस कार का सारा रिव्यू दिया था, इसका इंटीरियर, एक्सटीरियर, ट्रांसमिशन, इंजन, एवरीथिंग, कंफर्ट कैसा है, कैसी गाड़ी दिखती है। मगर चलाना, जो ड्राइव है, वो बहुत मेन पैरामीटर होता है किसी भी गाड़ी को खरीदने का। तो चलिए इस गाड़ी को चला के देखते हैं। लेट्स स्टार्ट द जर्नी। अगर आप इसका मैनुअल ट्रांसमिशन लेते हैं तो वो भी कंफर्टेबल है, बट ऑटोमेटिक इज़ फार बेटर। सीरियसली बहुत अच्छा है वो। उस कार का ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी मैं आपसे शेयर करूंगी। उसके अंदर हुंडई का गेयरबॉक्स यूज़ किया गया है, जो सीरियसली अच्छा है। स्टीयरिंग की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा हार्ड है ये, मतलब बहुत हार्ड भी नहीं है। आप बोल सकते हैं कि ऑप्टिमम इसका स्टीयरिंग की बैलेंसिंग है। अगर आप स्पीड को इनक्रीज़ करेंगे तो ये और हार्डर साइड पर चला जाएगा। कार को ड्राइव करने में आपको थोड़ा हैवी लगेगा, थोड़ा वाइब्रेशन है इसके इंजन के अंदर, तो आपको वो बहुत क्लियरली फील हो रहा है। कैबिन नॉइज़ की अगर मैं बात करूँ तो यस, यहाँ पर कैबिन नॉइज़ इज़ देयर, आपको आवाज़ आ रही है। सस्पेंशन भी इसका थोड़ा हार्डर साइड पे मुझे लग रहा है। बहुत, मतलब ये नहीं बोलूँगी यार कि बहुत ज़्यादा बेस्ट है ये या बहुत ज़्यादा ही हार्ड है ये, ऑप्टिमम सा बैलेंस है इसके अंदर। इसके ब्रेक सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो यार ब्रेक सिस्टम बहुत इम्प्रूव किया गया है। हैरियर के अंदर अभी भी फ्रंट डिस्क ब्रेक आते हैं आपके, और बैक में आपके ड्रम ब्रेक्स यूज़ किए गए हैं। टाटा सफारी में आपके पास चारों डिस्क ब्रेक हैं, तो ब्रेक क्वालिटी सफारी में नो डाउट बहुत बेटर है। जो दिक्कतें हैरियर में थी वो सारी इसमें रिजॉल्व कर दी गई हैं। मोस्ट डिमांडेड जो चीज़ है, जो लोगों ने सबसे ज़्यादा हमें बोला है, दे आर मीन्स मे बी स्कॉर्पियो से उनको लग रहा है कि स्कॉर्पियो में ऑटोमेटिक नहीं चला तो सफारी में भी ऑटोमेटिक इतना अच्छा नहीं होगा, मैनुअल ही बेटर है, तो इसलिए हम मैनुअल लेके आए हैं। लेकिन मैंने ऑटोमेटिक भी चला के देखी है, ऑटोमेटिक भी नो डाउट बहुत अच्छा है, बेटर है इससे। वो नाइट टाइम में इसकी कैमरा क्वालिटी आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा सुपर्ब नहीं कहेंगे, बट यस इट इज़ ओके। टर्निंग रेडियस इज़ गुड। अगर मैं ओवरऑल राइड क्वालिटी की बात करती हूँ इसकी, तो राइड क्वालिटी सीरियसली नो डाउट बहुत अच्छी है। आप कार में पुश फील करते हैं, आपको बस रेस देनी और गाड़ी भागेगी एकदम से। और अगर कंफर्टेबल सीटिंग की बात कर रही हूँ मैं, तो यस नो डाउट सीटिंग बहुत कंफर्टेबल है इसकी। आप बहुत आराम से बैठ के अपने अकॉर्डिंग सीट्स को एडजस्ट कीजिए। मैंने इस टाइम कुछ ज़्यादा ही स्टिल कर रखा है इसे, थोड़ा डाउन करके रिलैक्स होके भी चला सकते हैं। तो सिटिंग वाइज इट इज़ कम्फर्टेबल, मैंने आपको सारी सीट पर बैठ के भी दिखाया था, तो आप अच्छी खासी जर्नी इसमें इंजॉय कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा सस्पेंशन से भी बहुत इशू नहीं है, मैंने आपको बोला सस्पेंशन इज़ ओके 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 मीन्स ये नहीं होता कि बेकार सस्पेंशन है। इट इज़ लाइक कि हाँ, ज़्यादा ही कुछ गड्ढा वड्ढा होगा तो आपको फील होगा, लेकिन छोटे मोटे बम्प्स को ये कार बहुत ईजिली इग्नोर कर देगी। अगर हम कार के फिट एंड फिनिश की बात करेंगे तो नो डाउट टाटा हैज़ डन मार्वलस जॉब। बहुत अच्छा आपको एम्बियंस फील होता है इसमें, कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ हल्की क्वालिटी का, सस्ती क्वालिटी की चीज़ें इसमें यूज़ की गई हैं। सब अच्छा सा फील है, लग्जरी फीलिंग आपको आती है और आपको लगता है यार सफारी चला रहे हैं बैठ के। बात करते हैं इसके इंजन की। इसमें इंजन 170 HP पावर प्रोड्यूस करता है, डीजल इंजन इसके अंदर है विद अ न्यूटन मीटर टॉर्क ऑफ 350। तो आप कह सकते हैं पावर इज़ गुड, और सीरियसली आप जैसे ही इसको एक्सेलरेट कर रहे हैं वो पावर आपको फील होगी। मेरे को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्योंकि मैं मैनुअल कार्स नहीं चलाती हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा गियर शिफ्टिंग में बार बार लैग लग रहा है। मे बी वो मुझे लग रहा है क्योंकि मेरे पास सारी कार ऑटोमेटिक है, तो मुझे आई थिंक इतना आइडिया नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ टाइमली उसको गियर को शिफ्ट करने की, और मुझे थोड़ी सी इसमें लैगिंग फील हो रही है। तो दोस्त, ये था हमारा टाटा सफारी का ड्राइविंग एक्सपीरियंस। बहुत अच्छी कार है, नो डाउट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी। सब चीज़ें हमने आपको बता दी है, आप इन सब पैरामीटर्स को कंसिडर कीजिए एंड डिसाइड योर सेल्फ कि आपको टाटा सफारी के साथ जाना है या नहीं। जो लोग सफारी फ़ैन हैं उनको तो यार कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए नहीं, लेकिन जो पहली बार सफारी को ख़रीदेंगे वो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए, जो भी आपको बताया गया है, कंसिडर ऑल दीज फैक्ट्स, उसके बाद डिसीजन इज़ ऑल योर्स। लव यू ऑल, बाय। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत सारा खुश रहना है, बहुत सारा ध्यान रखना है।